स्कंद का सार है, 33 अध्याय है। इसमें 19 अध्याय में आसुरी वृत्ति का चित्रण है। आसुर विसर्ग, सर्ग माने सृष्टि, माने प्रश्न ये हुआ, 10 लक्षण इनके बताए भागवत जी के, इन लक्षणों को समझ लो तो समझने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। वो ये है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेषां कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग, सृष्टि कैसे हुई। विसर्ग मेटेरियल एक है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इसी से सबका शरीर बनता है। तो जब मेटेरियल एक है तो विविध प्रकार की योनियां कैसे बनी, अलग अलग शरीर कैसे बने। तीसरा, स्थान कहाँ पर यह सृष्टि टिकी हुई है। पोषण, इसके सूखने पर सिंचन कौन करता है। उति, वासनाएं कितनी होती हैं। यहाँ तक हम 7 स्कंद तक पहुँचे, 8वें स्कंद में मनवंतर की चर्चा है, काल का विभाजन कैसे होता है। 9वें स्कंद ईशानु कथा है, भक्तों के चरित्र कैसे होते हैं। और 10वें स्कंद में निरोध, अपने आप मन का निरोध कैसे होता है, करना नहीं पड़ता। कितनी सुंदर बात है, तुम्हारे मन को आकृष्ट करने के लिए मुझे नाचना पड़े तो नाचूंगा, बजाना पड़े तो बजाऊंगा, भटकाना पड़े तो भटकाऊंगा। इसलिए भगवान का नाम ही कृष्ण जी का नटवर है। नट आप जानते हैं आज की भाषा में, एक्टर, और वर माने बेस्ट, बेस्ट एक्टर ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड नटवर। इस सृष्टि का सबसे बड़ा कलाकार भगवान श्री कृष्ण। और जगाना पड़े तो शंख फूंक के तुम्हें जगाऊंगा, सुदर्शन चक्र छोड़ के जगाऊंगा। तो भगवान मन को निरोध कर लेते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ये 10वें स्कंद, 11th स्कंद का मतलब है मुक्ति। मुक्ति क्या है, सारा मेकअप उतार देना है भगवान। अब 12वां जो स्कंद है आश्रय, अधिष्ठान परमात्मा का स्वरूप क्या है, इन्हीं पर पूरे भागवत जी तृतीय स्कंदे से लागू होता है। अब तृतीय स्कंद में विदुर जी मैत्री जी से पूछते हैं, विदुर जी के बारे में थोड़ा समझ लें। देखिए, विदुर जी साक्षात यम के अवतार हैं, धर्म के अवतार हैं। ये कौरवों के पक्ष में थे और धर्मराज तो स्वतः धर्म है, आप ही जानते हैं, ये पांडवों के पक्ष में थी। तो प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों पक्ष में धर्म है तो धर्म ने तो ये कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म पर चलता है धर्म ही उसकी रक्षा करता है। तो फिर कौरवों में एक भी नहीं बचा, जबकि उनके पक्ष में विदुर जी धर्म के रूप में है और पांडवों में कभी बालमा का नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न आता है। तो ध्यान दीजिएगा, विदुर जी का अपमान कर दिया दुर्योधन ने, समझाया उन्होंने धृतराष्ट्र को, धृतम राष्ट्रम ये न, राष्ट्र को धारण करने वाले अंधे हो जाएं बाहर से और भीतर से। बहुत ध्यान, एक ही बिल्कुल दर्पण है हर कथा, धृत राष्ट्र, राष्ट्र को धारण करने वाला पुत्र मुंह में फंस जाए। दुर्योधन जहां उसका योद्धापन केवल दुष्टता पे ही काम करे, ये दुर्योधन, और राष्ट्र को धारण करने वाले धृतराष्ट्र जैसे अंधे हो जाए पुत्र मुंह में अपने स्वार्थ में। तो धृतराष्ट्र न केवल बाहर से अंधा था बल्कि भीतर से भी पुत्र मुंह में अंधा था। समझाया विदुर जी ने, तुम्हारे घर में कलयुगी अवतार लेके आया है, बचो इससे, पुत्र मुंह मत फंसो, तुम राजा हो, सम्राट हो। सुना दुर्योधन ने और आकर, दासी का बेटा मेरे टुकड़ों पे पड़ने वाला मेरा अपमान करता है, मुझे निकालना चाहता है। समझ गए,
क्योंकि धृतराष्ट्र ने एक भी उत्तर नहीं दिया, बोले मेरी आवश्यकता नहीं, इसको विरोध करना चाहिए था राजा होने के नाते, मंत्री का अपमान कर रहा है। जबकि आज तक उनकी नीति विदुर नीति प्रसिद्ध है, किताब मिलती है। तो क्या किया उन्होंने, विदुर जी की बात सुनते हैं मानते नहीं। तो धर्म केवल सुनने के लिए हो, मानने के लिए चलने के लिए ना हो तो धर्म कैसे रक्षा करेगा। दूसरी तरफ पांडव पक्ष में जो धर्म है, धर्मराज जो कह दिया उन्होंने, चारों भाइयों ने सिर झुकाकर माना, पालन किया। तो धर्म जब जीवन में उतरता है, हम उसमें जीते हैं, तो धर्म रक्षा करता है। ये अंतर है। इसलिए सौत रहे संगठन में, एक भी नहीं बचा। और पांच पांडव, एक कभी बाल बांका नहीं हुआ। इसको सरल करके समझें, वैष्णव 52 वैष्णव वार्ता की एक किताब होती है, जिसमें 52 प्रकार के वैष्णव की चर्चा की गई। उसमें एक चर्चा आती है, एक बार 12 व्यक्ति बरसात के दिनों में कहीं जा रहे थे, खूब बादल गरज रहे थे, ऐसा लगता था कि बिजली अब गिरेगी तब गिरेगी, डर गए। और उन्होंने कहीं सुन रखा था सत्संग में कि बिजली पापी पर गिरती है। तो बोले क्या करें, हम 12 हों तो पापी नहीं होंगे, हम में से कोई एक ही पापी होगा और उसके कारण हम 11 मरेंगे, तो कोई उपाय ढूंढो। चलते चलते सोचते सोचते एक झोपड़ी दिखी उनको, डर रहे थे बिल्कुल, ऐसा लगता कि बिजली बिल्कुल गिरेगी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, हम सभी एक जगह खड़े हो जाते हैं और हम में से एक आदमी चल कर झोपड़ी में 5 मिनट खड़ा हो जाए, 5 मिनट के बाद बिजली न गिरे उसके ऊपर तो प्रमाणित हो जाएगा कि वो पापी नहीं है, धर्मात्मा है। फिर उसके बाद दूसरा आदमी जाएगा, तो इसमें कम से कम एक ही तो मरेगा जो पापी होगा, बाकी पुण्य आत्मा तो नहीं मरेंगे। वैसे किया महाराज, तो जो पहले गया खूब डर रहा था, और जब बिजली नहीं गिरी तो चाल बदल गई उसकी, प्रमाणित हो गया कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। दूसरा गया डरते डरते, 2, 3, 4 ऐसे 11 व्यक्ति गए और बिजली नहीं गिरी। 12वां व्यक्ति जाने लगा, ध्यान दीजिएगा, तो 11वां ताली बजाकर हंसने लगे, ये प्रमाणित हो गया कि ये पापी, ऐसी कोई बिजली गिरेगी, हम होते तो हम पर गिर गई होती। अब विचित्र घटना ये घटी कि 12वां व्यक्ति जब झोपड़ी पर जाकर खड़ा हुआ तो इन 11वों पर बिजली गिर गई। माने 11वों पापी थे, उसे पुण्यात्मा के कारण ऐसा योग नहीं बन रहा था इनको मरने का, इसलिए वो पुण्यात्मा के अलग होते ही इन 11वों पापियों पर बिजली गिर गई। वैसे विदुर जी धर्मात्मा थे, लंका में रामचरित मानस में देखेंगे तो विभीषण जी धर्मात्मा थे, इनके कारण लंका की रक्षा हो रही थी और विदुर जी कारण कौरों की रक्षा हो रही थी। जब निंदा करके इन्होंने इसे निकाल दिया और लात मारकर रावण निकाल दिया, तो गोस्वामी जी ने रावण को गाली दे दी, एक शब्द कहा, मर गए सब। ये रावण जब ही विभीषण अभागा लिखा, आयुहीन भय सब तभी। ऐसे ही धर्म का तिरस्कार आज दुर्भाग्य है भारत का। मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत पीड़ा होती है। सेक्युलरिज्म का मतलब
धर्म निरपेक्ष नहीं होता। इंदिरा जी ने जो ट्रांसलेट करवाया एक विद्वान न्यायाधीश जज से, तो उसने सेकुलरिज्म के सामने लिख दिया धर्म निरपेक्ष। एक बहुत बड़े आचार्य थे जो संस्कृत के, इंग्लिश के और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने देखा तो माथा ठोक लिया, बोले इंदिरा जी ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है। बहुत ध्यान समझिए मेरी बात को, धर्म को निकालना नहीं है, धर्म के बिना तो हम पशु बन जाएंगे, आवाज हो रहे हैं देख रहे हैं आप। पंथ निरपेक्ष, चाहे कबीर पंथी हो, सनातन धर्मी हो, आर्य समाज हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, तुम्हारे पंथ में हमारा हस्तक्षेप नहीं है। पूजा की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, धर्म एक है हम सबका। इसलिए धर्म को जीवन से नहीं निकालना, गलत ट्रांसलेट कर दिया और उन्होंने गोल घेर दिया। आज भी लाइब्रेरी में वो संसद भवन में रखा हुआ है। तो जब से धर्म निरपेक्षता कर दी गई, तो निरपेक्ष का मतलब किसे क्या जानते हैं, निह अपेक्षा यस्य, जिसकी अपेक्षा नहीं है, ये सही अनुवाद है निरपेक्ष का। अब धर्म की अपेक्षा नहीं है तो धर्म के बिना हम पशु बन गए, अब बन रहे हैं। पशु ही माँ को, बहन को, बेटी को नहीं पहचानता। अरे धर्म ही तो मनुष्य को अलग करता है पशु की कक्षा से, केवल और केवल धर्म ही अलग करता है जो मानवीय कक्षा में हमें स्थापित करता है। और दुर्भाग्य देखिए, सभी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं मनुष्य को छोड़कर। अपने सीजन में वो आम फलेगा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। और सरल करके बताऊं, 7 दिन का भूखा है, गिद्ध मांस नहीं खाया है, वो मरे हुए मुर्दे का ही मांस खाता है। और बढ़िया आम पका हुआ है, जून का महीना है, और वहीं पर बैठा हुआ है वो, लेकिन एक चोंच नहीं मारेगा। मर जाए तो मर जाए भले भूखों में, लेकिन आम पर चोंच मारेगा नहीं, वो भूख नहीं बुझाएगा। तो भारत का आज तक गिद्ध भी अपने धर्म का पालन करता है, गिरा है हर तरफ से, तो केवल मनुष्य गिरा है क्योंकि उसने धर्म को छोड़ दिया, जीवन से निकाल दिया। इसलिए पशुता बढ़ रही दिनों दिन, बहुत द्रुत गति से हर क्षेत्र में गिरावट हो रही है। और देखिए भागवत जी पहले बोल दिए, धर्म अगर निकल जाए जीवन से तो चाहे 100 रहे एक भी नहीं बचेंगे, और धर्म का जिसने दामन थामा है वो 5 रहे उनके सिर की बाल का बाका नहीं होगा, ये नियम। तो आप दुर्भाग्य कहना चाहिए भारत का, इससे बड़ी विडंबना हो क्या सकती है। धर्म प्रधान देश रहा है, सदैव ऋषियों की धरती रही है। विदुर जी निकल गए तो क्या लेके निकले, स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो, क्या बात है, कौरवों का पुण्य लेकर विदुर जी निकल गए। तो धर्म निकल गया, धर्म से पुण्य होता है। अब आयुहीन हो गई है, गाम पर्यटन मेध्य विपिक्त वृत्ति सदा बोधा शयनो अधूत अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणा। 36 वर्ष यात्रा की विदुर जी ने, अवधूत के वेश में रहते थे, कोई मुझे पहचाने मत। देखो ये तीर्थ यात्रा करो तो त्याग हो, वैराग्य हो, तब यात्रा करो, वहां पिकनिक बनाने मत जाओ। आज तीर्थ का स्वरूप भी लोगों ने बिगाड़ दिया, इसीलिए, क्योंकि तुम्हें विज्ञान ने आलसी बना दिया। आलस्य केवल और केवल विज्ञान की देन है, अब तो सब कंप्यूटर से हो रहा है, उठने की भी जरूरत नहीं। वो तो अच्छा है कि भगवान ने पेट लगा दिया, नहीं तो भी कंप्यूटर से भर लेते, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, नहीं तो भी नहीं करते। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही है, लोग मानते हैं सबसे बड़ी मौत है, लेकिन मैं मानता हूं मौत से बड़ा पेट है, भूख है। बोले कैसे, पेट लगा है आगे और पड़ा है पीछे, हर किसी का शारीरिक संरचना में पेट आगे बना है और लगा है हर किसी के पीछे। कैसे लगा है, तो मस्त डट कर खा लिया आपने शाम को, अब ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं खाऊंगा,
लेकिन जहां सुबह आई, अरे कुछ दो यार, बहुत भूख लगी। तो सांझ समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत बार बार नहीं आती, एक बार आती है, और बार बार बचने के बाद भी एक बार नहीं बच सकता, लेकिन मौत बार बार आती है, रोज बुझानी पड़ती है उसको। अगर ये भूख नहीं होती, पेट नहीं लगाया होता, तो कंप्यूटर से भी आदमी काम चला लेता अपना, उठने की जरूरत नहीं थी। इतना आलसी कर दिया उस कंप्यूटर ने। आज के बच्चों को 10-20 सीढ़ी चढ़ने के लिए बोलो ना, जीभ बाहर निकल आएगी, दम फूल जाएगा। आलसी बना, शारीरिक सब खत्म हो गया। तो अगर हम सुविधा भोगी हो गए, तो तीर्थ में भी सुविधा भोगी बनकर हम जाते हैं, तो तीर्थ ही मत करो ना, घर को ही वृंदावन बना लो ना, घर को ही हरिद्वार बना लो ना, सत्संग करके क्या जरूरत है वहां जाने की। देख लीजिए, प्रेरणा लीजिए बिदुर जी से। गाम पर्यटन मेध्य विलिप्त वृत्ति, सता प्लुतोधर शयनो, अवधूत बनकर सोए रहते, भूमि शयन करते थे, अलक्षित, कोई मुझे पहचान न सके, मैं कौरवों का महामंत्री रहा। स्वरैव धूतवेशो व्रतानि चेरे, क्यों व्रत करते हैं, तो हरि तोषण, मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। बस इसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप? मैत्रेय जी से जब भेंट हुई वृंदावन के रमण रेती में विदुर जी की, अब दोनों महावैष्णव का जब मिलन हुआ, तो विदुर जी ने प्रश्न किया उद्धव जी से। उद्धव जी से भेंट हुई तो उद्धव जी से प्रश्न किया, तुम भगवान के सखा हो, मंत्री हो, इतने प्रेमी हो, भगवान नहीं रहे तो तुम जीवित कैसे, कैसे जी रहे हो? आश्चर्य लगा, क्योंकि महाभारत में सारे मर गए हैं, विदुर जी को पता नहीं था, भगवान ने अपनी लीला समेट ली ये भी पता नहीं था, वो तो केवल यात्रा कर रहे थे। यात्रा का भी जो शब्द है यात्रा, या माने याति और त्रा माने त्राति, याति त्राति को यात्रा कहते हैं, जीवन यात्रा है, अनुप्रतिकूल मार्ग में चलने वाली इंद्रियों को मन को नियंत्रित करके अनुकूल मार्ग में ले जाना, ये यात्रा है। जहां जाना चाहिए वहां जाओ, जो वो देखना चाहिए उसे देखो, जो खाना चाहिए उसे खाओ, जो सुनना चाहिए वो सुनो, यात्रा प्रतिदिन आपके जीवन की है। तो प्रतिकूल मार्ग में वासना भोग की तरफ जाती हुई इंद्रियों को रोक कर नियंत्रित कर संयमी बन, अनुकूल मार्ग में परमात्मा की तरफ ले जाना, यह जीवन की यात्रा है, ये विदुर जी ने बताया। तो उद्धव जी ने कहा, भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है विदुर जी, मैं उसी के सहारे जी रहा हूं, बस भगवान मुझे नहीं ले गए साथ में, सत्संग में मेरी उपस्थिति का भान होता रहेगा, उद्धव मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, उन्हीं के सहारे मैं जी रहा हूं। तो वो ज्ञान मुझे बताओ ना। तो बोले, मेरी अभी स्थिति वियोग की है, मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन धन्य है आप विदुर जी, बहुत सौभाग्यशाली हैं, मेरे साथ भगवान जब प्रभास क्षेत्र में ज्ञान दे रहे थे एकादशी स्कंद में, तो मैत्रेय ऋषि भी बैठकर सुने हुए थे, और मैत्रेय ऋषि से भगवान ने कहा था, मैत्रेय ऋषि जिसने मुझे थोड़ा बहुत भी दिया उसको मैंने दिया है, मैं अपने पूरे कार्यकाल में एक विदुर चाचा का ऋण लेके जा रहा हूँ, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई थी और उनका ऋण मैं चुका नहीं सका, इसलिए मेरे ऋण का को आप चुका देना। बोले, कैसे प्रभु, जब चाचा कभी आए तो मैंने जो आपको ज्ञान दिया है वो चाचा विदुर को सुना देना। फफक करो पड़े विदुर जी, केवल केले का छिलका दिया था विदुरानी ने, साग की पत्ती खाई थी, प्रभु आपने हमारे ऋणी बन गए, कौन है ऐसा नमक मानने वाला। तो विदुर जी रो पड़े, क्योंकि देखो स्वाद सब्जी में नहीं होता,
आपको बोझ मान के पैर पटक पटक कर, क्योंकि पता चल जाता है, और तब बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन बोझ मान के बनाया परोसे, अब पटक परोसते समय थाली में पटकने की आवाज़ हो, पैर पटक कर चलने की आवाज़ हो, तो सुहाएगा आपको। असाधारण बनाया वो प्रेम से, मनुहार पूर्वक खिलाए। तो इसलिए सुखदास जी ने कहा है, मीठा तो प्रेम में होता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, शाक विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जूठे फल सबरी के खाए, जूठे बहुविधि करत बड़ाए, प्रेम विवश द्रीप सेवा की, प्रेम विवश आप बने हरि नाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाए। श्रेष्ठ
कृष्णेन मम शिक्षितं ध्यायं गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल रुरोध प्रेम विह्वल। केले का छिलका साग की पत्ती खाने वाले भगवान हमारे ऋणिया बन गए। किसी की याद नहीं किया विदुर जी जाते समय, आपको याद किया। धन्य मेरे चाचा विदुर जी, कितने प्रेम से चाची जी ने खिलाया था, उनका कर्ज मैं उतार नहीं सका। इसलिए मैंने जो ज्ञान आपको दिया है मैत्रेय ऋषि, मेरे चाचा कभी आएंगे तो उनको सुना देना। पापा करो पड़े महाराज। गए हरिद्वार, मैत्रेय ऋषि देखते ही खड़े हो गए, बोले आइए विदुर जी, मैं कब से प्रतीक्षा आपकी कर रहा था। भगवान ने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया है, आज मैं चाह रहा था कि आप जल्दी मिलें, अब वो कर्ज मैं उतारूं। अब तब वही संवाद मैत्रेय विदुर जी से होने लगा। तृतीय स्कंध से विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय से कि भगवान एक बात बताएं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखम वान्य दुपारम विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यतत्र युक्तं भगवान् वदन्। सुखाय कर्माणि करोति लोको, संसार में जितने व्यक्ति हैं वो सुखी होने के लिए ही तो कर्म करते हैं, और सुखी नहीं हो पाते ऐसा क्यों? तो मैंने पहले आपको बताया है महात्मा में सुख की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दूसरी बात ध्यान से समझ लीजिए, दुनिया का हर सुख एक मृत्यु लोक है, हर सुख क्रमशः कम होता चला जाता है और नष्ट हो जाता है। केवल केवल आनंद जो परमात्मा से मिलता है वो बढ़ता चला जाता है मृत्यु लोक में भी। जैसे उदाहरण के लिए समझें, आप अपने बच्चे को नर्सरी में पढ़ाते हैं और 12 बजे बस आ जाती है, छुट्टी हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, स्कूल बंद हो जाता है। अब 12:15 बज गए, माँ की व्याकुलता बढ़ गई, अभी तक बस नहीं आई, मेरा बेटा नहीं आया। 12:30 बजे बस आई, दौड़ कर आप गई, बच्चे को उतारते ही गोद में ले लिया, चुंबन लिया, छाती से लगाया, कितना सुख मिला, बहुत सुख मिला। अब घर में आई, 15 मिनट हो गया, आप कहती हैं बच्चे से, तेरे पापा आने वाले हैं ऑफिस से या अपनी दुकान से, बेटा उतर दो रोटी सेंक लूँ। वही बालक कहता है नहीं भैया मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं तो नहीं उतरूँगा। तो 15 मिनट पहले जो सुख मिला था आपको, बस उतरती है वो कम हो गया। और उसके बाद कहती है उतर रहे रोटी बना लूँ, और कहीं जिद करके आपकी गर्दन को पकड़े, नहीं उतरूँगा मम्मी अच्छा लग रहा है, तो उतर, एक चाटा लगा दूँगा। अब देखिए गया वो सुख, अब आपका टोन बदल गया, आप ही वही हैं और आपका बेटा भी वही है। तो इससे सिद्ध होता है आप नई कार ली, भारी सुख, एक सप्ताह के बाद वो सुख खत्म, और जा रहे हैं कहीं कील गड़ गया, पंचर हो गया, और जंगल में है तब तो दिमाग खराब हो गया, गया वो सुख। तो दुनिया का प्रत्येक सुख क्रमशः खत्म होते जाते जाता है। तो प्रश्न किया संत ने, कैसा सुख चाहिए आपको? बोल जो कभी खत्म ना हो। अच्छा, तो कभी खत्म ना होने वाला सुख तो वही दे सकता है जो कभी खत्म खुद नहीं होता हो, और वह है परमात्मा। अच्छा, कहाँ कहाँ चाहिए आपको? केवल अपने घर में चाहिए कि बाहर भी चाहिए, जंगल में चाहिए? बोले सभी जगह चाहिए। तो सभी जगह का सुख तो वही देगा जो खुद सभी जगह रहता हो। अब आप रसगुल्ले का सुख पहाड़ में खोजोगे मिलेगा। एक बात और यार, बहुत इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने, खिला दे, मित्र ने खिलाया, आधा किलो ले लिया उसके लिए, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, क्रमशः वो सुख का रसगुल्ले में खाने का जो सुख था कम हो रहा है। अब 5-8 तो खा लिया, उपकाई आने लगी, अब नहीं खा सकता, खा तेरे लिए खरीदा मैंने इस आधा किलो, पैसे पर बात नहीं, खा इसको। तो लिया मेरी जान लेगा क्या, मारेगा क्या, देख कहाँ गया उसको।
इसलिए सुख के स्वरूप को आप समझ लोगे दुनिया का, तो उसके पीछे पागल नहीं बनोगे। दुनिया का हर सुख क्षणिक है, खत्म होने वाला है और प्रतिपल कम होने वाला है। एक सेठ जी थे ना, उनके बेटे से कहा, बेटा जाके गर्मी के मौसम है, ये सामने दुकान है, आम ले लो। आम लेने गया, बोले आम दे दो, दे दिया। बोले पानी में डुबा दे, थोड़ी देर के बाद खाएंगे। और थोड़ी देर बाद सेठ जी उठे, देखे तो मिट्टी है उसमें। बोले नकली आम था, सजाने वाला। अब जाके बरसे दुकानदार पर, तुमने बेवकूफ़ कहीं के, तुम बच्चे को ठग दिए। बोले सेठ जी मेरी गलती नहीं है, सामने देखो। बोले नकली आमों का दुकान घर को सजाने के लिए लिखा है, तुम्हारे बच्चे ने आम माना, मैं दे दिया घर सजाने के लिए, मुझे क्या मालूम है। बोले तब कैसे मिलेगा। बोले सच्चे आम के पास जाओगे तो मिलेगा, बगीचे में जाओ, अब उसे सीजन में जाओ। अब वो सच्चा सुख कहाँ है, तो जो आनंद सिंधु सुख जो आनंद सिंधु सुख राशी सी करते त्रैलोक सुखासी सी करते त्रैलोक सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक Chhattisgarh's first online news channel and portal, Clip Startin.